सब्सक्राइब करें स्प्लेंडेड फूड टेम्पटेशन को और बजाएं ये घंटी ताकि चैनल पे आने वाले सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। भंडारे वाले हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है सूजी, चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, एक इलायची, घी और पानी। इंग्रेडिएंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लें। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने रख दिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी और अब यहाँ पे हमें डालना है एक इलायची और सूजी। हमें इसे सुनहरे होने तक भून लेना है। सूजी यहाँ पे हल्के सुनहरे रंग की हो गई है, या आप इसे लाइट ब्राउन भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करना है चीनी। आप इसकी मिठास अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। इसे भी हमें अच्छे तरीके से इसके साथ भून लेना है। हलवा हमारे बनके बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देना है ताकि ये थोड़ा सा ग्लॉसी दिखे, और हमें यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। हलवा बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखें, नॉर्मली हमें जितनी सूजी डालनी होती है हम पानी भी उतना ही डालते हैं, बट कभी कभी सूजी के क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो पानी कितना पी रही है। मोटी सूजी ज़्यादा पानी पिएगी, थोड़ी पतली सूजी कम पानी पिएगी। भंडारे वाले चने बनाने के लिए मैंने लिया है काला चना, जिसे मैंने बॉईल करके रखा था। मैंने यहाँ पे चने के थोड़े से स्टॉक यूज़ किए हैं। मैंने जो पानी में चने को बॉईल किया था मैं उसी का पानी एज अ स्टॉक यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे ताज़ा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल, थोड़ी सी हरी मिर्च, करी पत्ता, जीरा, दालचीनी, एक इलायची, सूखे मसाले में मैंने लिया है नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से आमचूर और गर्म मसाला। तो चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। चना यहाँ पे थोड़े से पक चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ये मसाला डाल रही हूँ। ये वही मसाला है जो सारे सूखे मसाले हमने लिए थे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सबको मैंने थोड़ा पानी में घोल लिया है। और इस प्रकार से डालने से चना का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मसाले यहाँ पे पानी के साथ फूल जाते हैं। अच्छे तरीके से हमें पका लेना है मसालों को चने के साथ। चना यहाँ पे हमारा पक चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये चने का स्टॉक डालेंगे। ये वही पानी है जिसे मैंने चना बॉईल करते वक्त थोड़ा सा रख लिया था। इसे डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर ले इसे अच्छे तरीके से। भंडारे वाला चना बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिख रहा है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। कोशिश करें जब भी आप भंडारे वाले चने बनाएं तो उसे आप लोहे की ही कढ़ाई में बनाएं, इससे इसका टेस्ट 4 times बेटर हो जाता है। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 cup गेहूं का आटा, 1/4 cup सूजी, 1/2 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon चीनी और 1 cup पानी। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा चीनी और नमक डाल दें, और अब हमें इसमें
थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सख्त डो लगा के इसका तैयार करना है। डो हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे थोड़ा सा सख्त रखा है क्योंकि हम पूड़ी बना रहे हैं। चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। मैंने सारे पूड़ियों को इस प्रकार से बेल के रख लिया है। चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। पूड़ियाँ तलने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल पहले से ही हीट होने रख दिया था। अब हम सारी पूड़ियों को इसमें डालेंगे और तल लेंगे। पूड़ी हमारी बन चुकी है। बाकी की बची हुई पूड़ियों को भी हम इसी प्रकार बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे भंडारे वाली पूड़ी, काले चने और हलवे को सर्व कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी नवरात्र स्पेशल थाली कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।